प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे की गूंज आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी सुनाई दी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कश्मीर की जो तस्वीरें बदली उससे पाकिस्तान के भी पसीने छूट गए। आतंकवाद की बात करें तो आतंकी घटनाओं में खासी कमी आई है और साल 2019 से लेकर अभी तक 869 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि अलगाववाद भी कश्मीर में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 2019 के बाद से कश्मीर में अलगाववादी नेताओं की कोई बैठक नहीं हुई है और उनके दफ्तर बंद किए जा चुके हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं में भी भारी कमी आई है। साल 2016 में पत्थरबाजी की जहां 2653 घटनाएं हुई थी, वहीं 2022 में पत्थरबाजी के सिर्फ 5 मामले ही सामने आए थे। पर्यटन के लिहाज से कश्मीरियों को तगड़ा फायदा हुआ है। 2022 से अभी तक करीब 2 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर की यात्रा कर चुके हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जबकि 28 नर्सिंग कॉलेज, 19 पैरामेडिकल कॉलेज और 50 नए डिग्री कॉलेज स्थापित किए गए हैं। वहीं अगर रोजगार की बात करें तो बीते 4 सालों में 31,000 लोगों को नौकरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में विकास कार्यों का बटन दबाया तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। पीओके के लोग एक बार फिर अपनी सरकार को पानी पी पी कर कोसने लगे। इन लोगों का साफ मानना है कि पाकिस्तान में इनका कुछ नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर में पर्यटन के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। केले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां आए हैं। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर में रहने वाले लोग अपनी सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पीओके के लोगों ने बीजेपी की मजबूत सरकार की भी तारीफ की। पीओके के लोग भी अब बॉर्डर के इस पार के विकास की कहानियां सुनने के आदी हो गए हैं।